So finally I've reached Hunza and I'm in beautiful Karimabad market, and I'm gonna go. I've got my room. I'm gonna show you my room, and this is a very nice place to stay on the Karimabad street. And bata diya? Acha, chale. So I've got my room on the first floor. I'm going towards my room, and this is a very nice place to stay. You can see mountains from here. Yeah, you can press your clothes, or ये है room. This is the room, TV, AC, and it's a beautiful terrace with this view. And this is Altit Fort. I will go there, and this is all the market, Hunza Karimabad market. It's just like Mari's market, Mari ki tarah ki market hai. पूरी सड़क है एक, तो इस सड़क पे शॉप्स है डिफरेंट, पर मरी से डिफरेंट है क्योंकि इनका कल्चर डिफरेंट है, इनके खाने डिफरेंट है, इनके जो कपड़े हैं, जो यहाँ पे चीज़ें सेल हो रही है, सारा कपड़े और आर्टिफैक्ट्स वगैरह, डेकोरेशन पीसेस, वो डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, और यहाँ पर लाइक मरी की तरह नहीं है रश। और मैं आपको मज़ीद अभी मैं settle a little room mein, then I will go in the market and then I will show you the market. That's very nice. ये एक काफ़ी खूबसूरत कैफ़े है, कैफ़े डी हुंजा इन दिस करीमाबाद रोड, एंड यहाँ का वॉलनट केक काफ़ी फेमस है। सो आई एम गोना गो इन एंड चेक द वॉलनट केक ऑफ कैफ़े डी हुंजा। एक्सक्यूज मी। They're selling the jam and the shawls, the traditional shawls they have, and the traditional hats over here. And see their walnut cake. Okay, upstairs. Okay, this is a very nice fine cafe, Hunza. So these are the things. आपकी सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे क्या है? ये वाला? Okay. और यहाँ पे सिर्फ स्वीट होता है, मीठा ही होता है? अच्छा। Okay. तो मुझे एक वॉलनट केक दे दें। Taking away. Thank you. Okay, so I've got the cake. I'm taking it to my room, and it's a very nice cafe. I will show you the Karimabad street and how it looks in the night and in the day as well. There are not very much tourist at this season. तो वहाँ पर ऊपर कोई barbecue चल रहा है, and I'm gonna go upstairs. And these are the cycle they're in. The shops. And this is where I'm going. Okay. Seems to be nice and a good place. Let's see. Okay. बारबेक्यू चल रहा है, मेन्यू दिखाएं ज़रा क्या। सो ये रात के टाइम वो अल्तीत फोर्ट है, उसको थोड़ा सा लाइट अप किया हुआ है तो वो नज़र आता है। और ये पूरी करीमाबाद मार्केट है, ये ऐसे अप द हिल इस तरह जाती है उधर को और वो रास्ता ऊपर फोर्ट पे जाता है। सो आई बॉट द फूड फ्रॉम देयर टू हियर, ओके, एंड आई एम गोना ईट इट। सो दिस वॉलनट केक आई बॉट इट टू माई रूम, कमरे में ले आया। और लाइट्स और भी ऑन होती होंगी। Now I can see the cake. Yeah. It looks like the Rocky Mountain. The cafe was also very nice. What's it called? This cake is amazing. Cafe का नाम? Cafe de Hunza. Yeah. And जो भी इधर आया होगा ना उसने ये ज़रूर खाया होगा, या जब कभी आए तो ये ज़रूर खाएं। मैं खाने का ऑर्डर करके आया हूँ, पर मुझे जो है ना यही बहुत अच्छा लग रहा है। It's amazing. Oh wow. But सुबह का आगाज करते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या टेम्परेचर है। तो ये है जी सुबह का हुंजा का मंज़र, और वो स्नोई माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चेक करें। और आज हम जाएंगे अल्तित और बल्तित फोर्ट जो वहाँ पर वाक़ है, और पूरी मार्केट देखेंगे करीमाबाद की, क्योंकि मैंने मार्केट में ही स्टे किया हुआ है। वी केम डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर नाश्ते में क्या है चेक करते हैं। ये ड्रिंक्स हैं, इसमें क्या है, या कप्स हैं, ओके, टेक कप फॉर कप्स एंड प्लेट्स। Butter, ये traditional jam है, and then this tea, and this is the beautiful view. This one or that one? That one. So we're gonna have our dinner over here. Breakfast. Okay, sorry, breakfast. But so यहाँ पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं करीमाबाद मार्केट विज़िट करने के लिए निकल आया हूँ, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो आपकी सांस फूलती है यहाँ पे। और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं या आप इन्हेलर वगैरह यूज़ करते हैं, देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट प्लेस फॉर यू, पर कोई इतना खैर मसला नहीं है। पर मैं कादीकोय में रहा हूँ इस्तंबुल में, तो कादीकोय में मैंने काफ़ी कैफ़ेज़ देखे थे जो कि इस तर्ज के थे, इस तरह डेकोरेटेड होते थे, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। मोस्टली ये लोग जो है ना बुक रीडिंग काफ़ी पसंद करते हैं, और यहाँ पर लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये कैफ़ेज़ कल्चर काफ़ी आम है यहाँ पे, शीशा कल्चर भी है। और फिर लोग यहाँ पर अपने लैपटॉप्स पे बुक रीडिंग्स भी कर रहे होते हैं। लैपटॉप पे बैठ के डिफरेंट कैफ़ेज़ में आप जाके बैठेंगे तो यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ के हज़ारों लोग हैं वो आपको बुक्स पढ़ते हुए, पढ़ाई करते हुए नज़र आएंगे। मोस्टली अगर आप पंजाब में कैफ़ेज़ पे चले जाएं लाहौर में कैफेज़ में तो लोग आपको मुश्किल ही एक आधा शख्स भी किताब पढ़ता हुआ नज़र आए। और यहाँ पर डिफरेंट सीन है। और यहाँ पर इवन के विलेज में भी आप चले जाओ ना, वहाँ पर भी आप इंग्लिश बोलोगे तो उनको समझ आ जाएगी। इवन वो बोलना पाए पर उनको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 99% है। दैट इज़ वेरी गुड साइन। तो फर्दर आगे जाते हैं मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। करीमाबाद मार्केट इज़ अ वेरी गुड मार्केट। इज़ फेमस अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं और स्पेशली एक सीज़न में आते हैं लाइक स्प्रिंग्स में और ऑटम में। सो लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।